जिंदगी है तो हालात हन सिचुएशन हन सिचुएशन दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नैगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव सिचुएशन नू देखण वाले लोग भी कई तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, चार तरह के हो सकते हैं। इसे चार तरह के लोगों विचों पॉजिटिव सिचुएशन नू देखण वाले वो लोग जो पॉजिटिव नू भी नैगेटिव करके देखते हैं, अजिहे लोग एनर्जी नू हमेशा डाउन रखते हैं, उदास कर देंगे ने, डिस्टर्ब कर देंगे ने, और डिप्रेसिव गल्लां करके निराशावाद नू फैलाउंदे ने। दूसरी तरफ पॉजिटिव नू पॉजिटिव की तरह भी देखते ने, नैगेटिव सिचुएशन है तो उसनू नैगेटिव तरह देखते ने। ये लोग रियलिस्टिक कहे जा सकते हैं। कुछ अच्छा होया तो उच्चो अच्छा खुशी, जे कुछ माड़ा होया तो दुखी। पर बहुत घट लोग होंगे ने जिहड़े नैगेटिव घटना के विचों भी पॉजिटिव कढ लैंदे, ये दुख के विच भी खुशी नू लभदे ने, ये उदासी दे विच्चों भी जिंदगी लभदे ने। सिर्फ पढ़ते नहीं है, इस जीना सीखते ने, जीन दिंदे ने, किसी का आसरा बनते ने। वो लोग होंगे ने जो कहते हैं जिवें फुल निकलता है हारां दे विच्चों, तिवें जित निकलती है हारां दे विच्चों, ना लभो कोई लाभ प्यारां दे विच्चों, किसी एक नूं मिलता है हजारां दे विच्चों। इसे ही दो शेरां दे विच एक शख्स है जो नैगेटिव तो हारां दे विच्चों भी जित्तां लभण की कोशिश करते हैं। साढ़े को अज सिचुएशन की है, हाँ नैगेटिव है। की होया कि पी एस टैट का 2023 का एग्जाम होया तो एकदम पता लगता है कि विच आंसरस दिते हुए ने, बच्चे डिस्टर्ब होंगे ने, इन्नी तैयारी की हुई है, किन्ने दिन वेट की, कई ने तो हफ्ता हफ्ता पढ़िया, कई ने साल साल तक तैयारी की। एग्जामीनेशन सेंटर विच इन्नी मुश्किलों का सामना करना पिया, जिसनों मनोविज्ञानक या मानसिक पीड़ा भी किया जा सकता है। एक पीड़ ने होर पीड़ा नू जन्म दिता, कई ने स्टाफ तक की शिकायत की, यह भी कहा कि स्टाफ अनट्रेड सी, कई जगह तो स्टाफ ने खुद दसता कि पेपर विच सब कुछ इस तरह है, बोल्ड आंसर सही हैं, सानू पता सी। कई जगह यह शिकायत आई कि पेपर अनसील्ड सी, कई जगह यह होया कि सैट पहला कोई होर दिता गया फिर उसनू बदलिया गया। कई जगह तो बच्चों ने उठ के विरोध भी किया कि मैं पेपर नहीं देना, कुछ गड़बड़ है। कुछ राइट रिस्पोंस देंदे देंदे बोल्डनेस वल जाके जां बोल्डनेस तो रोंग रिस्पोंस वल आ गए। कुछ विद्यार्थियों ने तो इत्थों तक कहा कि एग्जामीनेशन सेंटर विच मोबाइल फोन भी गए है, तो उन्होंने वेख्या है कि मोबाइल फोन तो आसरा लिया जा रहा है। कई जगह तो पेपर भी लेट दिता गया, यह कहा गया कि पेपर घट हैं, फोटो स्टेट करवाई जा रही है। मैं नहीं जानता इन गल्लां किन्नी सच्चाई है किन्ना झूठ है, लेकिन सिचुएशन नैगेटिव सी, यह सच मनिया जाना चाहिए है। ये विचार के नैगेटिव सिचुएशन है, इसनू नैगेटिव मान लीए तो यह रियलिस्टिक है, दुख है, दुख दे विचों असी दुख देख लिया है। हुण मेरा सवाल यह है कि इस दुख नू असी लंबा किन्ना खिंचना है। एक शख्स है कि दुख नू देखिया है, इन्ना लंबा खिंचया है। दूसरा है कि उसने दुख नू एडा वड्डा कर लिया है। तीसरा है कि उस दुख दे विचों भी कोई सुख लभण की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि वाह भी वाह, टाइम होर मिल गया। वह कहता है कि सैंपल पेपर रियल मिल गया, कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। वह कहता है कि दूसरी बार पेपर देने लिए फीस नहीं लगनी। वह कहता है कि इस बार पेपर पाउण वाली एजेंसी विच परिवर्तन आया है, उस एजेंसी ने पेपर सैटर जिहड़े लगाए हैं उन्होंने माइंड किस तरह के हैं वह सानू पता लग गया, असी उसकी प्रैक्टिस कर लांगे। वह कहते हैं कि जे यही ही पेपर का रिजल्ट आंदा तो फेल रेट बहुत होना सी, क्योंकि इस पेपर का डिफिकल्टी लैवल ते ऑप्शन जां नॉर्मल ट्रडिशनल पेपर चो प्रीवियस ईयर चो बार बार सब कहते रहे सी, उन्हां तो बिल्कुल वक्खरा पेपर ते एक्सपीरियंस सी। यूट्यूब चैनल वालों नूं होर मौका मिल गया कि हुण ओह होर इनडैप्थ च पढ़ सकते ने, पढ़ा सकते ने, जो भी उन्हां दा परपज है पूरा कर सकते ने। ये जिहड़े लोग ने कैंडीडेट ने बहुत कछ ने जिहड़ी अजिही नैगेटिव सिचुएशन नूं इस तरह देख रहे ने, वार वार शायद यही कह रहे ने, दम रख बंदिया दम रख, आस ना छड दिल थम रख, सुफने खुरन ना देवी अखियां भावें नम रख, दिल विच यार मिलन दी आस ते कम से कम रख, तुरिया चल निरंतर चाल बेशक मद्दम रख, मैं तो आपा हो जा तुम रख ना हम रख, जितेगा सच ही ओड़क चित ना होर परम रख, दम रख बंदिया दम रख, अपने खुर ना देवी अखियां भावें
नमरख। तो अजिहे लोग जिंदगी की परिभाषा होंगे ने। मैं ये चाहना हाँ कि जो हो चुका है पर उस तो असी अच्छा की कर सकते हाँ, इस वल फोकस करिए, ना कि जो नैगेटिव एनर्जी है कि डिस्टर्ब जो खुद हो गए ने, डिस्टर्ब कर रहे ने, डिस्टर्बिंग विचार फैला रहे ने। मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन नहीं है, पर इसको लंबा ना खिंचिए। आप पॉजिटिव क्यों ना सोचिए कि नवा पेपर जो आया है उसका एनालिसिस करिए, जिन्ना कर्म होर कर सकते हाँ उन्नी तैयारी फिर कर लीए। सिचुएशन विच बदलना सी, जो तुसी बदलना सी तुसी कर लिया है, चैनल वाले ने, न्यूज वाले ने सब कुछ कर लिया है, सरकार ने यह कह दिता है कि पेपर द्वारा होएगा, फीस नहीं ली जाएगी और MOU साइन किया जाएगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की स्पैशल टीम गठित की गई है जिड़ी इसकी इनकुआरी करेगी। उनका काम है उन्होंने करन दो, हूँ जो साडा काम है, जो तुहाडा काम है। कई तो बच्चे अजिहा भी सोच चुके हैं कि पेपर नहीं देना। हाँ दुख है जिन्होंने साल साल भर मेहनत की सी, हाँ दुख है कि हजे जॉब भी नहीं मिली, हाँ दुख है कि वेट किन्नी करनी पई। इस तरह के शख्स बन जाना है कि इस नैगेटिव सिचुएशन विच अपना ब्लड प्रेशर, अपना हैडेक, अपनी उदासी, अपना खाना, अपनी नींद छड़ देनी है। जॉन डेवी ने कहा सी, परिभाषावां असीं करी जा रहे हैं, एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। तो इन्हां विचों देख लो कि असी बैचलर ऑफ एजुकेशन, असी डिप्लोमा इन एजुकेशन, एलीमेंट्री एजुकेशन ये कर रहे हाँ, पर की एजुकेटड कौन ने जिहड़े पॉजिटिव नू नैगेटिव करके देख रहे ने, डिप्रैशन तो सुसाइड वल ले जा रहे ने, जा पॉजिटिव तो पॉजिटिव ते नैगेटिव नू नैगेटिव वल लेके जा रहे ने, जिहड़े रियलिस्टिक ने हाँ फिर भी ये ठीक ने, जां ओ लोग एजुकेटड ने जिहड़े हर नैगेटिव सिचुएशन चों पॉजिटिविटी नू कढ़न दी कोशिश कर रहे ने। कह रहे ने जे आई पतझड़ तां फिर की है, तू अगली रुत च यकीन रखी, मैं लभ के लियाऊं कित्यों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। जगतार साहब ने कहा सी, हर मोड़ ते सलीबां, हर पैर ते हनेरा, फिर भी असी रुके ना, साडा भी वेख जेरा, पत्थर ते नक्श हाँ मैं, मिट्टी ते ता नहीं हाँ, जिन्ना किसे मिटाया हुंदा गया डिंगेरा, जिन्ना किसे मिटाया हुंदा गया डिंगेरा। सो असी जीना सीखना है, करना सीखना है, नैगेटिविटी तो विचों भी पॉजिटिविटी लभनी है। अच्छे अध्यापक ता ही बन सकते हाँ कि सिचुएशन विचों खुशी लभनी है। मरण वेले यही देखना है कि किन्ने खुश रहे, जिंदगी तो गुजरी जानी है, शब्द तो कहते तो औखा ने, पर कोशिश यही करिए कि जिंदगी नू इस तरह दिलकश बनाना चाहिए है। मुश्किल आवन तो फिर भी मुस्कुराना चाहिए। सो अगले PS टेट की तैयारी लई जुट जाओ, एनालाइज करो, पेपर तुहाडे कोल है, जिवें जिहड़ा सोर्स तुहानूं अच्छा लगता है उत्थे जाओ, जिहड़ा अध्यापक अच्छा लगता है उहदे कोल, जिहड़ा चैनल अच्छा लगता है उत्थे जाओ, निराश ना होवो।